ये थी हमारी शादी की वीडियो। तो ज़रूर बताना यार कैसी लगी आपको शादी की वीडियो। एक्चुअली कुछ दिनों पहले जो हमने अपनी लव स्टोरी की वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपकी शादी की वीडियो कहाँ है, शादी की जो हाइलाइट्स होते हैं वो कहाँ है। तो वो एक्चुअली हमने दूसरे चैनल में डाली थी, इन्होंने डाली थी। तो कईयों ने देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी, इवन जिसे शूट की उन्होंने भी डाली है, तो काफ़ियों ने देखी। बट काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने चैनल में डालें, इसलिए हमने ये वीडियो डाली है शादी चैनल पे। हाँ। ताकि आप लोगों की इच्छा हम पूरी करते रहें। और जो लास्ट वीडियो थी हमारी, हमारे शिवोहम के प्यारे से शिवोहम के बर्थडे की, उसमें बहुत ढेर सारा प्यार देने के लिए हैं बहुत सारी सबने, तो उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत सारा प्यार शिवोहम की तरफ से। और प्रकृति के भी बाल काफी जुल्फे हो रही है क्योंकि बाहर आउटडोर शूट कर रहे थे, क्योंकि बहुत तेज हवा है इस टाइम पे और नेचर में शूट करने का मज़ा कुछ और होता है यार। और मौसम आज थोड़ा सा टिका है, 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रही थी, तो हमें बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। पर 2-3 दिन की बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ठीक हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया यार। अभी देखो मार्च में ही यहाँ पे बहुत, मतलब जैसे जून में गर्मी होती है तो उस हिसाब की गर्मी शुरू हो गई थी। अभी 2-3 दिन की बारिश ने कमाल कर दिया, स्वेटर मिला दिया, तो ऐसा हो जाता है यहाँ पे। हाँ, अब आने वाले दिनों में 10 दिनों में जैसे मैं देख रही थी तो उसमें फिर धूप है, तो लेट्स सी कि गर्मी कैसी होती है इस बार। तो बस मई में हमारी एनिवर्सरी होने वाली है, 2 साल पूरे हो जाएंगे, 2 साल शादी को पूरे हो जाएंगे, और हमारे रिलेशन को अब ये वाला 15वां साल लगा है, तो अगले साल 15 ईयर्स हो जाएंगे। अभी 14 साल हो चुके हैं कुछ दिन पहले, 14 ईयर्स तो बस साथ यूँ ही रहना चाहते हैं हम सब फैमिली के साथ, हम दो एक दूसरे के साथ, शिवोहम के साथ। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही कहना था कि कैसी लगी आपको पहाड़ी शादी। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसको ना, वो तो एक सिर्फ शॉर्ट ट्रेलर था, तो बहुत हवा चल रही यार, मेरी बीवी कहीं उड़ ना जाए, तो वो एक शॉर्ट ट्रेलर था, तो उसमें रस्में भी काफ़ी होती हैं हमारे हिमाचल में, अलग होती हैं थोड़े एरिया वाइज भी अलग होती है, और बाकी स्टेट से भी अलग होती हैं, बट ओवरऑल हमारे कल्चर वाइज भी अलग होती है। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत है। वैसे पूरे इंडिया में भी हमारा ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल ही अलग होगी, थोड़ा सा हो सकता है 20%, 30%, 40% इस हिसाब से। तो ज़रूर बताना यार कमेंट सेक्शन में कौन एक्चुअल वेडिंग मीन समझ रहे हो। कभी अगर कोई ही कहीं हमारे रिलेटिव की होगी तो हम पूरा शूट करेंगे और फिर बताएंगे कैसी रही, जो हमारे यहाँ की कुलवी जो ट्रेडिशंस कल्चर कस्टम्स जो फॉलो किए जाते हैं वो कैसे हैं। या फिर अगर हमें अपनी वीडियो मिल गई तो वो भी डाल सकता हूँ मैं, कि अगर पूरी वो भाई उड़ जाएंगे, अरे उड़ गए, मैं तो नहीं उड़ी, आप जरूर उड़ गए। तो या फिर हम अपना जो शादी की अगर मुझे एग्जैक्ट वीडियो मिल गई जो होती ना लंबी वाली, तो अगर वो मिल गई तो मैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिचुअल्स यहाँ का कल्चर बता सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स। तो बस फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और बस अब ये मौसम, अब ये जो मौसम है ये हो चुका है बहुत सुहाना, अब जाएंगे हम 1-2 दिन में कहीं ट्रैवल ज़रूर करेंगे, बस खुल जाए मौसम वरना उड़ जाएंगे, चलो।